डियर स्टूडेंट्स, हीरोन सूत्र, हीरोन फॉर्मूला कल हम देख चुके थे और उसे क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो भी हमने देखा था। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.1। आपकी बुक के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 12.1 का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन 12.1 का देखो क्या है। देखिए, आपको दिया हुआ है ट्रैफिक सिग्नल पर एक बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड पर लिखा हुआ है क्या, स्कूल आगे है। ये बोर्ड जो है त्रिभुजाकार है। ये बोर्ड क्या है, त्रिभुजाकार है और इसकी भुजा की लंबाई, ठीक है, इसकी भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई a है, मतलब समबाहु त्रिभुज है ये। समबाहु त्रिभुज का अर्थ क्या होता है बच्चे, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। परिमाप आपको दे रखा है, ठीक है, इस बोर्ड का परिमाप, इस बोर्ड का परिमाप दे रखा है। सिग्नल बोर्ड है ये, सिग्नल वाला, ट्रैफिक वाले पर परिमाप दे रखा है आपको, ठीक है। तो भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है आपको, बोर्ड की भुजा की लंबाई, ठीक है, प्रत्येक भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई बराबर दे रखी है आपको a, प्रत्येक भुजा की लंबाई। अब क्या करें, इसका परिमाप दे रखा है 180। परिमाप क्या दे रखा है, 180। तो देखिए, बिकॉज परिमाप बराबर दे रखा है 180। ये 180 क्या है, मीटर या सेंटीमीटर, देखिए सेंटीमीटर, बोर्ड मीटर में तो हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा बोर्ड तो नहीं होता ना। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, ए प्लस ए प्लस ए, मतलब तीन ए, तीनों भुजाओं का योग कितना होगा, तीन ए बराबर 180। ए बराबर 180 बटा तीन कितना आ गया, 60 सेमी। इस त्रिभुज का परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग जो है, परिमाप क्या होता है, चारों ओर का माप मतलब सारी भुजाओं का योग, वो दे रखा है 180। सारी भुजाएं मतलब तीनों का, a प्लस a प्लस a कितना हो जाएगा, 3a बराबर 180, तो a बराबर 180 बटा 3, 60। अब क्या करें, इस त्रिभुजाकार बोर्ड का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सिग्नल बोर्ड का क्षेत्रफल, ठीक है। सिग्नल, सिग्नल देने वाला, संकेत देने वाला, तो सिग्नल बोर्ड का क्षेत्रफल, इंग्लिश में लिख रहा हूं ये वर्ड में, सिग्नल, संकेत देने वाले इस बोर्ड का, पट्टी का क्षेत्रफल, कौन सा सूत्र लगाओगे आप, अंडर रूट एस एस माइनस ए, ये लगेगा ना, अंडर रूट एस एस माइनस ए, तीनों भुजाओं की लंबाई ए ही है, एस माइनस ए, तीनों की लंबाई ए है, तो एस कितना होगा, यहां निकाल देता हूं, एस होगा, एस क्या होता है बच्चे, मैंने आपको बताया था तीनों भुजाओं का योग बटा दो, मतलब त्रिभुज का अर्ध परिमाप। परिमाप कितना, 180, 180 का आधा कितना, 90, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप होगा 90 सेमी, ठीक है, इसको यहां लिख लेना चाहे। अब क्या करें, अंडर रूट एस, एस कितना, 90, ठीक है, 90 में से ए, ए कितनी भुजा कितनी है, 60, 90 माइनस 60 30, यहाँ क्या आएगा, एस माइनस ए, 90 माइनस 60 गुणा 90 माइनस 60 गुणा 90 माइनस 60, यही होगा सिग्नल बोर्ड का क्षेत्रफल, अंडर रूट एस, फिर एस में से तीनों भुजा घटा देते हैं, तीनों भुजा एक जैसी है, ए ए ए, ठीक है, तो एस 90, 90 में से 60 60 60 घटा दिया, 90 में से 60 60 60 घटा दिया कितना आएगा,
90 माइनस आठ तीस, 90 माइनस आठ तीस, 90 माइनस आठ तीस। अंडर रूट लगा हुआ है मतलब वर्गमूल करना है। वर्गमूल करने का एक तरीका मैंने आपको बताया था, क्या जीरो अलग कर दो, ठीक है, जीरो एक के बाद कितने जीरो है, चार जीरो, ये कर दिया अलग। बाकी के गुणनखंड, नौ, नौ का गुणनखंड तीन गुणा तीन, बाकी क्या है, सिर्फ तीन 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 ही है, तीन तीन तीन। कितनी बार आ गए तीन, देखो ध्यान से देखो, जीरो अलग कर दिए, एक दो तीन चार, अब जीरो मत देखो, नौ तीन तीन तीन, नौ की जगह लिख दिया तीन गुणा तीन, तीन तीन पहले से ही है। जब वर्गमूल करते हैं तो क्या करोगे, ये एक जोड़ा बना लिया, इसमें से एक तीन निकालो, एक तीन इसमें से निकालो, और जीरो आधे कर दो, जीरो क्या कर दे, आधे कर दे, एक तीन यहां से निकालें, एक तीन दूसरे से, जीरो कर दो आधे, चार के दो जीरो, ये तीन एक रह गया, इसका किसी के साथ पेयर जोड़ा नहीं बनता, तो अंडर रूट के अंदर उत्तर आया तीन गुणा तीन नौ, नौ गुणा सौ नौ सौ, अंडर रूट तीन। क्षेत्रफल है तो किस में आएगा, सेमी स्क्वायर में या वर्ग सेमी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन 12.1 का। अब देखिए 12.1 का दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो, पढ़िए क्या दिया हुआ है। एक फ्लाईओवर बना हुआ है, ओवरब्रिज होते हैं ना फ्लाईओवर, अब उसकी साइड की जो दीवार है वो त्रिभुजाकार है, ठीक है, और उसकी भुजाएं दे रखी है आपको, नोट करिए, नोट करना हो ना तो वीडियो को आप रोका करो, पॉज किया करो और उसके बाद नोट कर लिया करो, फिर आगे वाला देखा करो। जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो पूरा स्क्रीन आपके सामने होता है, रोक लो वहां पर, पहले समझो पूरे को। देखिए एक फ्लाईओवर बना हुआ है ऐसे, ठीक है, तो इस तरह से बना हुआ है, तो यहाँ ये साइड फ्लाईओवर ऊपर से ऐसे बना हुआ है ना, ये साइड में जो दीवारें होती है, ये दीवार त्रिभुजाकार है, ऐसे है, ठीक है, ये दीवार त्रिभुजाकार है, इसकी लंबाई 122, 120 और 20 है, भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 122 मीटर और तीसरी क्या, 22 मीटर ही है बच्चे, 22 ही है, ये 122 मीटर, ये 120 मीटर, ये 22 मीटर, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इस दीवार पर ऐड कर दिए ना कंपनियां, दीवार पर लिखा होता है, ठीक है, कोई भी सामान की, तो इस दीवार पर ऐड करने के लिए जो खर्चा है वो एक वर्ग मीटर का 5000 रुपये है। पहले पता तो चले कितना क्षेत्रफल है इसका, हमारा पहला टारगेट है क्षेत्रफल, बाद में देखेंगे खर्चे की बात। तीनों भुजाओं को मान लेते हैं ए बी सी, माना ए, ठीक है, पहली भुजा जो है उसे मान लिया हमने ए 122 मीटर, दूसरी भुजा बी बराबर 22 मीटर, तीसरी भुजा सी बराबर 120 मीटर। अब त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस, तीनों भुजाओं का योग बटा दो, एस बराबर 122 प्लस 22 प्लस 120 बटा में कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 264 बटा दो 132 मीटर, एस होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा। अब दीवार का क्षेत्रफल, इस दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा, कौन सा सूत्र लगाएंगे, अंडर रूट एस, एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी, तो लगाएं ये सूत्र, अंडर रूट एस, एस कितना है 132, 132 माइनस 122
गुणा 132 माइनस 22, 132 माइनस 120, 132, 132 से 22 घटाएं 10, ठीक है। अब 122 घटाएं 10, 132 में से क्या घटाएं 22, 110, 120 घटाएं 12। अब क्या करें, गुणनखंड करें, सभी के कर लो, चाहे जितना कर सकते हो उतने कर लो, चाहे जो ठीक लगे। वैसे ये 12 गुणा 11 होता है अगर देखो तो, ठीक है। 12 गुणा क्या होता है 11, 132 है ना, 12 गुणा 11, चाहे आप पूरे कर लो फिर सबके, 132 के पूरे टुकड़े, 12 के पूरे टुकड़े, इसको मैं लिख देता हूँ 12 गुणा 11। जीरो इकट्ठे कर देता हूँ, जीरो पहले, जीरो पहले स्टेप में जीरो इकट्ठे कर देता हूँ, देखो जीरो को भूल जाना, दो जीरो है, 132 के गुणनखंड, अब जीरो भूल जाओ, 12 गुणा 11, जीरो भूल गए, एक बचा, एक को गुणा में रखने की कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ 11 जीरो आ गया पहले, 12, दो 11 में, दो 12 में से एक 12, दो 11 में से एक 11, और 100 का 10, कितना आ गया 1320 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वेयर। ये इस दीवार का क्षेत्रफल है। अब खर्चा कितना लगेगा, खर्चा देखो एक साल का तो है 5000 रुपये एक वर्ग मीटर का, ठीक है। ये अब किराया कितना होगा, देखिए एक कंपनी दीवार को 3 महीने के लिए किराया, किराए पर लेती है, ठीक है। तो कंपनी द्वारा देय किराया राशि, कंपनी कितनी किराया राशि देगी, देखो बताता हूं, एक वर्ग मीटर का 5000 रुपये, तो आपके पास कितने वर्ग मीटर है 1320 वर्ग मीटर, तो 1320 वर्ग मीटर का 1320 का 5000 से गुणा कर दिया। अब ये तो पूरे साल का है, 12 महीनों का है, आपको तो 3 महीनों का किराया देना है, तो 3 महीनों का किराया, 3 महीने 12 महीनों का चौथा हिस्सा होता है ना, मतलब साल का चौथा हिस्सा, ये तो 12 महीनों का है, हमें 12 का नहीं इसके चौथे हिस्से का 3 महीने का किराया चाहिए, तो 1/4, मतलब सीधी सी बात है 3/12 लिख दो, क्यों, देखो एक वर्ग मीटर का खर्च 5000, तो 1320 वर्ग मीटर का खर्च 1320 का 5000 से गुणा, ये कहां से आया, 12 महीनों का किराया है, तो 3 महीने का कितना होगा, 3 महीने 12 महीने का कौन सा हिस्सा होता है, उतने से भाग दे दो, ठीक है। तो 3 महीने 12 महीने का कौन सा हिस्सा होता है, भाग दे के देखें 1/4, तो सीधा 1/4 भी लिख सकते हो, मतलब चौथाई किराया देंगे, 12 महीनों का किराया हमें 3 महीनों का देना है, तो चौथाई हिस्सा होता है 4 का क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है, 4 का हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो देखिए कट रहा है, ठीक है, जीरो कितने, 1, 2, 3, 4 इतने रुपीज, 12.1 कौन सा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, इतने रुपीज, रुपीज का साइन ऐसे लगा लेते हैं ना, ऐसे देखो, ऐसे ये रुपए का साइन होता है, चिन्ह होता है। अब आगे क्या क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 3, तीसरा क्वेश्चन देखो बच्चे क्या है, आराम से एक एक क्वेश्चन को समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं, और सभी को नोट करना, और वीडियो हमेशा पूरा देखा करो, एक स्पेशल बात ध्यान रखना। अब ये तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, एक पार्क में स्लाइड है, ठीक है, तो दीवारों पर लिखा हुआ है क्या, पार्क को क्या करें, हरा भरा और साफ सुथरा रखें,
ठीक है, उस दीवार की भुजाओं की लंबाई 15, 11, 6 है माना। तीनों भुजाओं को नाम दे दिया, ए 15 मीटर, बी 11 मीटर, सी 6 मीटर। तीनों भुजाओं की लंबाई, एक की 15, एक की 11, एक की 6। करना क्या है, करना क्या है बच्चे, ठीक है, वो दीवार का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे, उस दीवार पर रंग करना है, तो उस रंग वाले भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, सबसे पहले क्या करें, एस अर्ध परिमाप निकालें, 15 + 11 + 6/2 कितना आ जाएगा, 32/2 16 मीटर। ठीक है, अब दीवार की भुजाओं की लंबाई दे रखी है, एरिया उस वो क्षेत्र ज्ञात करो जो कि कलर से पेंट किया हुआ है। ठीक है, एक तरह से रंगे गए भाग का क्षेत्रफल, तो एक तरह से दीवार का क्षेत्रफल आप कह सकते हो। ठीक है, रंगे जाने वाले, रंगे गए भाग का क्षेत्रफल, मतलब आप कह सकते हो दीवार का क्षेत्रफल, क्योंकि पूरी दीवार ही रंग दी है। सूत्र कौन सा लगेगा, तीन भुजा आपके पास हो तो हिरोन सूत्र, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सूत्र में मान रखते हैं बच्चे, एस है 16, 16 - 15, 16 - 11, 16 - 6। ठीक है, तो अंडर रूट 16, 16 में से 15 घटाएं, 1, 1 से क्या गुणा करना, 5, 10, गुणनखंड कर दो बच्चे सब, 16 के गुणनखंड 2, 2 पूरे ही कर देता हूँ, 5 तो अकेला है, 10 के 2 गुणा 5, एक जरूरत नहीं है गुणा में लिखने की। अब वर्गमूल में जोड़े बना लो, 2 कितनी बार है, 5, 2 बार, 1 2 बाहर निकल गया, 2 कितने हैं, 5 है, 1 यहाँ से निकला, 1 यहाँ से, 1 रह गया, उसको रख दें अंडर रूट के अंदर, 20 अंडर रूट 2 क्या होगा, वर्ग मीटर, या लिख सकते हैं उसको मीटर स्क्वेयर, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वेयर। तो ये दीवार का वो भाग जिसे रंगा गया है, दीवार का वो भाग जिसे रंगा गया है। ठीक है, तो आज के लिए 3 क्वेश्चन, बचे हुए क्वेश्चन आगे की क्लास में करेंगे।